हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ये ड्रेस का ट्यूटोरियल। ये श्रग मैंने बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से 2 मिनट में बन जाएगी ये श्रग। और मैं आपको ये भी बताऊंगी इसमें कैसे आप इस श्रग को डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकती हैं, 4 डिफरेंट स्टाइल में। तो फर्स्ट आप देख ही सकती हैं, बाकी का मैं लास्ट में आपको बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फैब्रिक कितना नीड होगा इसमें मैं बता देती हूँ। इसमें अगर आपको लॉन्ग स्ट्रग बनानी है जैसे कि मैंने बनाई हुई है, उसके लिए आपको 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए। और ये मेरा 1.5 मीटर है और इसकी जो लंबाई है इसका अर्ज काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जितना अर्ज है मैं उतनी पूरी लंबाई इसकी रख लूँगी अर्ज में। और अर्ज से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लाठ से कट कर सकते हैं इसमें बेल्ट निकालने के लिए, अगर आप बेल्ट चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूरी लंबाई ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें बेल्ट के लिए अर्ज से 4 इंच एक्स्ट्रा कट कर दूंगी, तो भी लंबाई काफ़ी ज़्यादा इसकी बनी रहेगी जैसा कि आप लोगों ने मेरी स्टार्टिंग में देखी होगी वीडियो में। तो देखिए करना क्या, सबसे पहले इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है और इसको मैंने डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। और जस्ट बिकॉज ये जॉर्जेट है तो ये बहुत ज़्यादा फिसलता है और इसीलिए मैंने इसको सिक्योर पिन से सिक्योर कर दिया है जिससे ये अपनी जगह पे बना रहे। और अब जो है इसको इस साइड से आपको देखना है कि आपका आर्म होल कहाँ पे आएगा, उसके लिए जैसा कि आर्म होल के लिए निशान लगाया जाता है उसी तरीके से आपको आर्म होल मेजरमेंट करना है। शोल्डर को पहले मेजरमेंट करना है और इस तरीके से यहाँ पे मैं 15 का शोल्डर लेकर के चल रही हूँ। आपको भी 15 ही सही आता है तो 15 के हिसाब से मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 15 पे निशान लगा दिया है और अब इसको जो है यहाँ से इसको हाफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से 15 तक। और अब जो है यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके लिए यहाँ से पहले ऊपर 4 या 5 इंच छोड़ करके लगाएंगे निशान। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 5 इंच ऊपर छोड़ रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ से निशान लगाऊंगी आर्म होल का। तो देखिए मैंने यहाँ से यहाँ पर इतना छोड़ दिया है और यहाँ से अब निशान लगाऊँगी आर्म होल के लिए। तो मैं यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा रही हूँ जिससे हल्का सा लूज रहे, बिल्कुल मुझे फिट नहीं करना है इसको, इसीलिए मैं थोड़ा सा लूज ही रख रही हूँ इसको। आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से 6.5 पे निशान लगा दिया है और इसको हल्की सी शेप में दे करके इस तरीके से कट कर देंगे। ऐसे मैंने निशान लगा दिया है, ये हल्की सी गोलाई दी है। और अब यहाँ से इसको ऐसे कट कर दूंगी। इसको सही से कट कर लेंगे यहाँ पे, दोनों आर्म होल एक साथ में ऐसे कट हो जाएंगे और फिर इसको ओपन करेंगे। ये देखिए ये कट हो गया है, ये कट हो गया। अब कपड़े को जो मैंने फोल्ड किया हुआ था अब इसको इस तरीके से देखिए मैंने ओपन कर लिया है। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे जो इसकी अर्ज थी अर्ज से मैंने पट्टी कट की थी, इसी से मैं बेल्ट भी निकालूंगी और इसी से मैंने ये पट्टी से इसके आर्म होल में भी लगाऊंगी ये पट्टी। तो आर्म होल से मैं इसके आर्म होल में पाइपिंग कर दूँगी इस तरीके से इसमें लगा दूँगी और सेम उसी इस तरीके से इसमें भी कर दूंगी। और जो बाकी का जो है साइड्स, इसकी चारों साइड्स यहाँ पे मैं लेस लगा करके इसको सिल दूंगी। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी सिल सकते हैं और चाहें तो उसमें लेस ऊपर से लगा दें तो और भी अच्छा लगने लगेगा। बाकी का मैं तो लेस अटैच करूँगी इस पर जिससे ये काफ़ी अच्छा लगे। तो लेस अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है इसमें इस तरीके से, ब्लैक कलर की बहुत पतली सी लेस है और स्ट्रक के लिए यही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आपको इस तरीके के स्ट्रक बनानी है तो इस तरीके की लेस आप यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे इसके आर्म होल पे भी इस तरीके से पट्टी ये लगा करके इसको सिल दिया है और लेस पूरी अटैच करके ये हमारी ये स्ट्रक कम्प्लीट हो गई है। तो देखिए मैं बाकी का स्टाइल्स आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये देखिए सेकंड है, सेकंड में आपको इस तरीके से स्ट्रक को पहन लेना है और इस तरीके से जो मैंने बेल्ट बनाई है उसे कर लेना है। ये देखिए मैंने इसको ऐसे नॉट बांध ली है इसकी इस तरीके से, और ये देखिए कितना प्रिटी लुक लग रहा है इसको इस तरीके से कैरी करके। सो एकदम से डिफरेंट स्टाइल लग रहा है ये और पीछे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गई सेकंड, एंड अब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी थर्ड। थर्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे इसी तरीके से बंधा रहने देना है और इसको बस ये दोनों को पास में सही से कर लेना है इस तरीके से, बिल्कुल ये इस तरीके से ये हो गया रेडी। तो देखिए कितना ज़्यादा इजी था ये भी, और ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है ये भी, और काफ़ी डिफरेंट है, इस तरीके से भी आप कैरी कर सकती हैं। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी फोर्थ स्टाइल, जो कि ये इस तरीके से, ये बिल्कुल एक रैप ड्रेस की तरीके से होगा। तो ये इस तरीके से आपको करना है वन साइड को, उसका जो कॉर्नर साइड था उसको आपको इसके अंदर इस तरीके से कर लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर आपको बेल्ट इस तरीके से बांध लेनी है। तो देखिए ये कितनी जल्दी से रैप ड्रेस रेडी हो गई है। तो गाइज़ कमेंट में बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और ये ड्रेसेस कैसी लगी हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।